बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप ख़ुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। यहाँ शामिल करेंगे अहम खबर। एमएनए आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह ने भी शादी के 3 माह बाद ही राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। तंसीक़ निकाह का दावा दायर। दानिया शाह के मुताबिक आमिर लियाकत मुनशियात का आदी है और तशद्दुद भी करता है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एमएनए आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह ने भी शादी के 3 माह बाद ही राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। जवाद बलोच हमारे साथ मौजूद है। जवाद, बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए हैं दानिया की जानिब से। बिल्कुल, ये एमकेएम रहनमा जिन्होंने 3 माह पहले ही जो है अपनी तीसरी शादी रचाई थी, उनकी जो बीवी हैं दानिया आमिर, उन्होंने भावलपुर की मुकामी अदालत में जो है 11 करोड़ 51 लाख रुपए का जो है वो तंसीख निकाह का दावा और हक महर का दावा जो है मुख्तलिफ दो दावे जो है वो दायर कर दिए। एक दावे में उन्होंने उनसे तलाक का मुतालबा किया है, जबकि दूसरे दावे में उन्होंने अपने हक महर और जो चीजें उनके नाम लिखवाई गई थी दौरान निकाह उसकी वापसी का जो है वो मुतालबा किया है। जबकि उनका ये भी कहना है कि आमिर लियाकत जो है वो उनके वालदैन की तरफ से दिए गए 20 लाख का जो जहेज था, जो सामान था, उस पर भी काबिज है, जिस पर उन्होंने अलग से एक दावा दायर करने की जो है वो निशानदेही भी किया उस दावे में। और दावे के मतन के मुताबिक ये कहा गया है। बहुत शुक्रिया जवाब बलोच आपने।